हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ आप सबकी घर में सुख शांति बनाए रखें। ये पूरी उड़ीसा पूरी की कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रथ यात्रा की। यहाँ सुबह की ही तस्वीर है। तो जैसे कि आज रथ यात्रा है, एक वेजिटेरियन डिश हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। चौलाई साग जैसे मंदिर में बनता है उस टाइप का हम घर पे बनाए हैं। चलिए देखते हैं। चौलाई साग बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और ये विटामिन सी से भरपूर होता है। जनरली ये चौलाई का साग जो है ये दो तरह की होता है, लाल और हरा। दोनों ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, पर जो लाल साग है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। आज हम लाल साग की रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने दो बंच लाल साग ले लिया है। इसका ना हम जो स्टेम पार्ट है वो निकाल देंगे और अच्छे से देख लेंगे कहीं छोटे छोटे कीड़े ना हो इसमें। आप देख सकते हैं कैसे मैं साफ़ कर रही हूँ। जहाँ से पत्तियाँ स्टार्ट होती है ना, वहाँ से हम निकाल देंगे। ऐसे करके हमने सारे पत्तियाँ को साफ़ कर लिया है। जैसे थोड़ा सा घास वगैरह होता है उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। ऐसे छोटे छोटे चौलाई का साग लेंगे तो वो टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और उसका जो स्टेम जो होता है बहुत पतला होता है और सॉफ्ट होता है। इसको देख सकते हैं, हम दो तीन बार ना साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम रफली काट लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको रफली ही हम यहाँ पे काट सकते हैं। हम रफली काट के रख लिए, साग में से ना सारा पानी हम निकाल दिए हैं पहले से ही। अब इसका हम सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें जीरा रखा है, सरसों रखा है, थोड़ा सा उड़द दाल रखा है, सूखा मिर्च है, लाल हरी मिर्च है, और थोड़ा सा अदरक है। इसको हम घी में बनाएंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम एक पैन को गरम कर लेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे एक डेढ़ चम्मच घी डाल देंगे, फिर हम जीरा और सरसों डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा और सरसों हमने यूज़ किया है, और एक छोटा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे उड़द दाल। मेरे पास स्प्लिट वाला था तो मैंने स्प्लिट वाला डाला है। आपके पास अगर है तो गोटा आप डाल सकते हैं, गोटा से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हम क्या करेंगे, दो सूखा मिर्च डाल देंगे यहाँ पर। फिर सूखा मिर्च के बाद हम डालेंगे यहाँ पर दो हरी मिर्च स्प्लिट करके डाल देंगे, और अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक। अदरक डालने के बाद इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अदरक को ज़्यादा देर तक हम कुक नहीं करेंगे, वो कड़वा हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, उसमें उड़द दाल की बड़ियाँ डाल देंगे। बड़ियों को पहले ही हम घी में थोड़ा फ्राई करके रखे हुए हैं, उसको हम डाल देंगे। बड़ियाँ जैसे फ्राइड है तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी तुरंत हम इसमें चौलाई का साग डाल देंगे। जो लाल चौलाई का साग हमने काट के रखा हुआ था उसको हम डाल देंगे। ऐसे ये बहुत सारा साग ऐसे दिख रहा है, पर ये स्क्वीज होके ना बहुत कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम नमक बहुत कम डालेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच करीबन हमने यहाँ पे नमक डाले हैं। और नमक डाल के और हल्दी भी थोड़ा सा हम डाल देंगे, और नमक हल्दी डाल के हम इसको ढक के कुक करेंगे। जैसे ही हम नमक डालेंगे साग में, साग में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी पानी में ही ये साग कुक होगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम मीडियम फ्लेम में साग को 5 मिनट के लिए कुक कर देंगे। बढ़िया भी हमारी कुक हो चुकी है, साग भी हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसको चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, जिससे जो हल्का सा पानी दिख रहा है ना वो ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे चलाते हुए साग को कुक कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक आधा कप करीबन नारियल को ग्रेट करके हम यहाँ पे रखे हुए हैं, उसको हम डाल देंगे साग में। नारियल से इस साग की जो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा। ओडिशा में मंदिर में इस तरह की साग बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चावल के साथ ये साग बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से मंदिर प्रसाद जैसे ही बनता है ये साग। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल दिए हैं। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा नारियल से ही उसको गार्निश किए हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से घी भी डाल सकते हैं। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।